हाँ जी आत्मा में संस्कार है, कि मृत्युंजय से हमने मृत्यु पर जीत पाई है, ये संस्कार कब के भरे हुए हैं? किस समय भरे थे? है संगम युग पर भरे थे, तो आत्मा में वो स्मृति रहती है। परंतु तरीका क्या है, शिव क्या है, वो मृत्यु पर विजय कैसे दिलाते हैं, ये सारी बातें भूल जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में मृत्युंजय जाप तो करते हैं, परंतु मृत्यु पर विजय तो कोई नहीं प्राप्त करते। मृत्यु पर विजय तो संगम युग पर बाप ही आकर के कराते हैं, बाकी जाप करने से कोई मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता। जोर से बोलो। वास्तुशास्त्र जैसे और शास्त्र होते हैं, और सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे आर्किटेक्चर की भी कला है। अंग्रेजी में कहते हैं आर्किटेक्ट, और हिंदुओं में हिंदी में कहते हैं वास्तुकला, मकान बनाने की कला। बाकी असली सब कलाएं तो भगवान आकर के सिखाते हैं। ये वास्तुकला का ज्ञान अगर सच्चा होता तो ये दुनिया विनाश नहीं हो दे पाती। कितना भी कोई वास्तुकला का ज्ञानी हो, परंतु दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, वास्तुकला काम नहीं करती है। जैसे भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणी काम नहीं करती है, शास्त्रों में लिखा है वशिष्ठ जी बड़े भविष्यवेत्ता थे, लेकिन राम को वनवास में जाने से नहीं बचा सके। वो तो शास्त्रों की बातें, यहां की बातें हैं। चाहे वास्तुकला हो, चाहे भविष्यवेत्ताओं की भविष्य बताने की कला हो, चाहे कोई भी कला हो, वो सब झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि ये है ही झूठ खंड, झूठों की दुनिया है। सच्चा भविष्य तो बाप ही आकर के बतलाते, सच्ची सच्ची नई दुनिया का निर्माण तो बाप ही आकर के करते हैं। ये नई दुनिया रूपी नया मकान बनाने की वास्तुकला एक भगवान के पास है।
जो नई दुनिया 2500 वर्ष तक काम रहेगी। और हद के शरीर का विनाश होना ही है, ये शरीर का विनाश होना ही है। ये शरीर कंचन काया नहीं बनेगा। भक्ति मार्ग में काया कल्प करने की कोशिश करते रहे या नहीं? वैद्य लोग भी करते रहे, डॉक्टर भी आज प्रयास कर रहे हैं। क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता है उसमें फेल होता है, और भगवान आकर के जो करना सिखाते हैं उसमें सब पास हो सकते हैं, अगर ठीक से पढ़ाई पढ़े तो। तो भगवान आकर के सिखाते हैं कि आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया मैं हूँ, दोनों को ही पार पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाऊंगा। तो ये धारणा गलत है कि शरीर सबके खलास हो जावेंगे। हाँ, इन पुराने शरीरों के पुराने तत्व जरूर खलास हो जावेंगे, बाकी पुराने तत्व बदल करके नए हो जावेंगे। ये शरीर तो हमारा रहेगा, तमो प्रधान से बदल करके सतो प्रधान बनेगा। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे, आत्मा सोने की बनावेंगे, तो शरीर रूपी जेवर भी जरूर सोने का बनेगा। जी, अयुद्ध के अंदर भी अंग्रेज और मुस्लिम धर्म वालों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। भारत अब थोड़े ही सोने की चिड़िया है। 200 साल 300 साल पहले आए कि भारत सोने की, अगर सोने की चिड़िया होती तो 100 साल अंग्रेजों ने राज्य कैसे कर लिया? 500-600 साल मुसलमानों ने राज्य कैसे कर लिया? तो सोने की चिड़िया नहीं हुई ना, लोहे की चिड़िया बन गई, कंट्रोल में आ गई मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के। सोने की चिड़िया थी सतयुग, जहाँ किसी का कंट्रोल नहीं था, सारी धरती सारा आसमान हमारा था। अभी सारी धरती हमारे कंट्रोल में है क्या? और आज का बाबा की कलाएं कम होती जाएगी तो जगह भी कम होती जाएगी। कलाएं बढ़ती जाएंगी तो जगह कम होती जाएगी। तो दुनिया की जगह भी कम होती जाती। वो सतयुग की बात बताई, संगम युग से जब सतयुग आता है तो पहले संगम युग में उतरती कला होती है, शूटिंग होती है 5000 साल की। तो जब शूटिंग होगी, शूटिंग पीरियड में हम सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो की ओर उतरेंगे, तो कला काया चट होगी या बढ़ेगी? है क्या होगा? कम होगी। और ज्यों ज्यों हमारी कला काया चट होती जाती है, क्यों क्यों
यज्ञ का दायरा बढ़ता जाता है या कम होता जाता है? है? कम होता है। विस्तार होता जाता है या सार बनता जाता है? विस्तार हो जाता है। जब विस्तार बढ़ेगा तो जगह भी ज्यादा बढ़ेगी या कम होगी? है? ज्यादा होगी। और तो दूसरे धर्म की आत्माएं साबित होती है। अरे एक बाप का बच्चा बनना चाहिए या दो चार बाप का बच्चा बनना चाहिए? बीज तो एक से ही पढ़ना अच्छा है ना। स्थान का भी महत्व तो ऐसे ही होता है, व्यक्ति का भी महत्व तो है, स्थान का भी महत्व तो है। ज्ञान तो है ही ईश्वर का महत्व वाला, ज्ञान को बीज कहा जाता है। वो बीज डालने के निमित्त ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण है जो भैरव को बैठ करके बीज डालते हैं? कोई ब्राह्मण है एक एक के ऊपर मेहनत करते हैं और तैयार करते हैं, तो पावरफुल आत्मा कौन सी बनेगी? जो एक एक को बैठ समझाया गया है उनमें पावरफुल बीज पड़ता है। अब विचारी दृष्टि मिलती है, अब विचारी वाइब्रेशन मिलता है, अब विचारी ज्ञान मिलता है, तो पावर रहती है। और जो बच्चे ज्ञान ज्ञान क्या करते हैं? हाँ, ऊपर से वो दारू पीने के पत्ते खाते तो क्या करते हैं? तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए ना, धारणा से भ्रष्ट हो गए ना। जो ब्राह्मण धर्म की धारणा सीखी उससे भ्रष्ट हो गए, नीचे गिर गए या पक्के ब्राह्मण बने? नीचे गिर गए। पता नहीं कौन सी कुरी के ब्राह्मण बनेंगे। और है उसके लिए क्या किया जाए? बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार इस दुनिया से वैराग किया जाए। वैराग की बात याद आनी चाहिए कि दुनिया भस्म होने वाली है। जब राजा परीक्षित को पता लग गया कि 7 दिन के अंदर शरीर छूटने वाला है, तो पक्का निश्चय होने से बुद्धियोग जल्दी स्थिर हो जाता है। हाँ, काम नहीं करती है तो संघ का रंग लगाती होगी। वो कभी कभी जो संघ का रंग लगता है वो लगना बंद कर देना चाहिए। संग दोष और अन्न दोष, ये नीचे गिराने का साधन बताया है। और है
है, गरुण पक्षी कभी देखा है प्रैक्टिकल में है? नहीं देखा है? क्या तो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं? अरे प्रैक्टिकल में तो नहीं देखा ना, वास्तव में गरुड़ कोई और नहीं होता है, शास्त्रों में दिखाया है गरुड़ पक्षी सांप खाता है और मोर, मोर भी क्या करता है, सांप अगर सामने आ जाए उसको खा जाएगा, तो गरुड़ पक्षी और कोई नहीं है, मोर ही गरुड़ पक्षी है। माने विष्णु का पार्ट किसका हुआ? विष्णु के रूप में पार्ट किसने बजाया? पांच आत्माओं में जो विष्णु है जिसे कहा जाता है नो विषय टाल, विषय विकार से परे, वो पार्ट किसका हुआ प्रैक्टिकल में संगम में, पुरुषार्थी जीवन में? शंकर का पार्ट तो अलग, शंकर को विष्णु नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का पार्ट भी अलग, ब्रह्मा को विष्णु नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा जो विष्णु बनने वाली आत्मा है उसकी पालना करने वाला है या नहीं है? जिसे वैष्णवी शक्ति कहा जाता है, तो विष्णु बड़ा हुआ या विष्णु को बनाने वाला बाप बड़ा हुआ? विष्णु को बनाने वाला बाप बड़ा हुआ और विष्णु जो आत्मा बनती है वो किसका संस्कार जास्ती उठाती है ब्राह्मण जीवन में? शिव शंकर का संस्कार ज्यादा उठाती है या ब्रह्मा बाप का संस्कार ज्यादा उठाती है? है? शिव बाप का संस्कार उठाएगी तो रुद्रमाला का मणका बनेगी या विजयमाला का मणका बनेगी? है? उसको तो विकारों पर विजय पानी है ना, उसका नाम ही है विष्णु, विषय विकार से परे, तो विषय विकार से जो परे है उसमें वो बीज कहां से पड़ता है? तो संस्कार कहां से पड़ते हैं, कहां पालना ली है? है? चंद्रवंश में ब्रह्मा से पालना ली है, तो संस्कार है उसमें, इसलिए जो सर्प को खाने वाला है मोर, जिस मोर के लिए कहा जाता है कि डांस बहुत अच्छा करता है, वो तो ज्ञान डांस करने वाली आत्मा कौन सी हुई? जिसकी निशानी कृष्ण के सर पर मस्तक पर दिखाई जाती है, मस्तक पर कौन सा ताज है? हाँ, वो ताज किस चीज का है? पवित्रता का ताज है, तो पवित्रता का जो ताज दिखाया जाता है वो किस आत्मा की निशानी है जो पवित्रता का ताज धारण करने वाली है?
कृष्ण की निशानी है। माने चंद्रवंश के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और असल सूर्यवंशी बन गया। वैष्णव सबसे ऊंचे माने जाते हैं। पवित्रता उनमें बहुत होती है। वो पवित्रता नहीं जो आज के वैष्णवों में है। जो देवताई सच्ची पवित्रता है। जैसे कार्तिकेय को मोर की सवारी दिखाई गई है, उनको क्या प्यारा है। शादीशुदा है या पवित्र है। कार्तिकेय को शादी बर्बादी प्यारी हुई या पवित्रता प्यारी हुई है। पवित्रता प्यारी हुई। ऐसे विष्णु को पवित्रता प्यारी है। तो सवारी करने वाला है गरुड़ के ऊपर। जो जिसको जीत लेता है वो उसके ऊपर सवारी करता है। और हाँ जी आत्मा समझने से शिव बाबा की याद अच्छी आती है। देहभान में रहने से बाबा की याद ठहरेगी नहीं। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो जल्दी याद करेंगे और निरंतर भी याद कर सकेंगे। बाकी परमात्मा की याद से ही पाप कर्म भस्म होते हैं। आत्मा तो पाप करने वाली भी है और जब भगवान आते हैं तो पुण्य का कार्य भी करती है। ईश्वरीय सेवा करने के आधार पर आत्मा को याद करने से पाप भस्म नहीं होंगे। ऐसे को याद करने से पाप भस्म होंगे जो कभी पाप पुण्य के चक्कर में आता ही नहीं। कौन है। शिव बाप है। और है महाकाली दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। प्रकृति प्रकृति झाड़ू लेकर खड़ी। हाँ जी। और घरों के अंदर झाड़ू को लेटा के रखा जाता है, कभी खड़ी नहीं रखा। तो लेटा के रखा रहा था माने ज्ञान में से टूट चुकी होगी। है तो पड़ी हुई है। पड़ी हुई है। दीपावली का मकसद के अंदर पूजन है। दीपावली का मकसद के अंदर पूजन झाड़ू चुकी है। जब दीपावली आती है तो पहले पहले लक्ष्मी की पूजा बाद में है। पहले पहले झाड़ू चाहिए सफाई करने के लिए। भंगिन नहीं चाहिए क्या। फिर क्या बात। मधुबन की निमित्त बहन जो भी सेवा बताती है, डायरेक्शन देती है, क्या वह बाबा के डायरेक्शन समझना है। बाबा के डायरेक्शन के अनुसार सेवा देती है तो न समझने की कोई बात ही नहीं। अगर बाबा के डायरेक्शन के अनुसार नहीं है, उनको मुरली में बोला है ब्रह्मा कुमारी, कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। ब्रह्मा कुमारी के भी जो डायरेक्शन से मिलते हैं उनको भी जज करना है कि वो राइट हैं या रॉन्ग हैं। बाबा का डायरेक्शन है ना मुरली में ऐसा,
अगर बाबा की डायरेक्शन के अनुसार है तो क्यों नहीं मानना चाहिए, और अगर नहीं है तो उतने समय तक ही मानना चाहिए जब तक बाबा से डायरेक्शन अगला ना आ जाए। अगला डायरेक्शन बाबा का आए और बरखिलाफ है तो चेंज कर दूं। बाकी रूहानी मिलिट्री का मतलब ये नहीं है कि अपने से ऊंचा जो भी है बाबा की तरफ से निश्चित किया गया है उसकी अवहेलना करना। मिलिट्री में नीचे का ऑफिसर हो या कोई योद्धा हो, सिपाही हो, वो ऊपर के ऑफिसर की बात को टाल सकता है क्या? है नहीं टाल सकता, उस समय नहीं टाल सकता, बाद में भले रिवोल्ट कर दे ऊंचे ऑफिसर के सामने, तो उस समय थोड़े समय के लिए बात मान लेनी चाहिए। हाँ ये कर सकते हैं, ये आगाह कर सकते हैं कि ये बात श्रीमत के अनुकूल नहीं है, फिर भी आपका डायरेक्शन है, आप उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, तो पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? अगर नुकसान होता है तो निमित्त के ऊपर चढ़ेगा। और महाभारत में युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां बाबा ने भी कहा तुम अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दो। इसका बेहद का मतलब क्या है? सब कुछ अर्पण कर दो माने तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीबी बाल बच्चे सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तो क्या ये जुआ नहीं है? है? उन्होंने तो जुए का स्थूल रूप दे दिया और यहां जुआ, स्थूल रूप का जुआ नहीं है, ये बेहद का जुआ है। ईश्वरीय सेवा ईश्वर के डायरेक्शन पर सेवा में लगा देना, ये ईश्वरीय सेवा है, ईश्वर का बताया हुआ जुआ है, इसमें पक्का पता किसी को नहीं है। ये जुए में दांव पर लगाने के बाद हमको प्राप्ति क्या होगी? लेकिन भगवान का बताया हुआ डायरेक्शन है, इसलिए निश्चय बुद्धि होकर के जो काम करेंगे उनकी आखिरी जीत अवश्य होगी। उसी समय देखेंगे कि हमें तुरंत जीत मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे बेसिक और एडवांस के बीच जुआ खेला जा रहा है, जुआ खेलने वालों ने जुआ खेला, अभी जीत किसकी हो रही है? है अभी राजाई किसके हाथ में है? है बेसिक वालों के हाथ में है। तो क्या हम ये समझें कि जुए में हार गए? है नहीं, अभी जुए का असली रिजल्ट निकला कहां है? अभी भी जुए का खेल तो चालू है।
ये अल्पकाल का जुआ नहीं है, सारे संगम युग का जुआ है। बल्कि जो सेवा ले रहे हैं, राजाई कर रहे हैं, वो हार गए। वो ब्राह्मणों की तो जीत ही जीत है जो संगम युग को सेवा का समय समझते हैं। अपन को सेवाधारी समझ के चलते हैं, राजा समझ के नहीं चलते। वो समझते हैं ब्रह्मा बाबा हमको राजा ही दे गए, और हम क्या समझते हैं? हमने राजा ही लिए या सेवा की जिम्मेवारी ली है? सेवा की जिम्मेवारी ली। और कौन बोला? अगर कभी कोई समस्या ना आए तो क्या ये समझना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? है? ब्राह्मणों के पुरुषार्थी जीवन के बीच में कभी कोई समस्या ना आए, कभी कोई विघ्न ना आए, तो क्या इसे ये समझना चाहिए कि हम उल्टा पुरुषार्थ कर रहे हैं? अरे अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने 20 बार लक्ष्य दिया, समस्या समाधान स्वरूप बनना है या समस्या स्वरूप बनना है? विघ्न विनाशक बनना है या विघ्न स्वरूप बनना है? अथवा विघ्न आवे ही नहीं, पहले से ही उड़ा दें, वो अच्छा है? या विघ्न आवे फिर उस विघ्न को हम समाप्त करें, वो अच्छा है? तो वो ही बात तो ये बता रहे हैं। ये कोई गलत दिशा थोड़े ही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई समस्या आने ही ना पाए। इस देश की गिरती कला दुश्मनों की दुश्मनी से या दुष्कृत्य से नहीं, स्वजनों की निष्क्रियता से हुआ है। माने भारतवासियों की निष्क्रियता से इस देश का पतन हुआ है। क्या ज्ञान में भी ये बात लागू होती है? लागू नहीं होती। कैसे? अमृत वेला न करना सक्रियता है पुरुषार्थ की या निष्क्रियता है? तो पतन होना निश्चित है या नहीं है? है? पतन होना फिर निश्चित है, इसलिए बाप दादा ने पहले से ही बोल दिया, अंदर वाले रह जावेंगे, माना अंदर वाले माने रुद्रमाला रह जावेगी और बाहर वाले ले जावेंगे।
क्या ले जावेंगे है? जमुना के कंठे की राजाई कौन ले जावेंगे? रुद्रमाला ले जावेगी या विजयमाला ले जावेगी है? विजयमाला ले जावेगी। बाहर वाले हैं या अंदर वाले? वो जरूर अमृत वेला अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि खास अमृत वेला के लिए बोला है। अमृत वेला सुधरा तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो कौन है निष्क्रिय और कौन है सक्रिय है? बाबा कोई आत्मा क्लास में आती है लेकिन टाइम सही नहीं डालती है, हाजिर रजिस्टर में, तो वो टाइम सही डालें या ना डालें? तुम जब साइन करो तो अपना टाइम सही डालो, बाद में अगर वो टाइम गलत डालेंगे तो अपने आप पकड़े जाएंगे। बाबा अभी जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं क्या वो एडवांस की बेसिक पढ़ाई है या एडवांस के अंदर बाबा एडवांस की आगे भी पढ़ाई पढ़ाएंगे? वो तो पढ़ाएंगे ही है, और एडवांस है। क्योंकि 18 जनवरी 69 की वाणी पूरी होने जा रही है, तो वो कौन सी वाणी है? वो वाणी थर्ड क्लास वाणी है या बाबा की सेकंड क्लास वाणी है? वो तो थर्ड क्लास वाणी है जो पूरी होने जा रही है। अभी सेकंड क्लास वाणी टैप रिकॉर्डर से डायरेक्ट सुनी हुई, जो टैप रिकॉर्डर में भरी हुई है वो सुन ली? सुन ली है क्या है? नहीं सुनी, वो भी तो होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास फिर और ही तेज होगी। है बिल्कुल, आत्मा की तेज पक्की नहीं होती है तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? माया गिराती रहती है न चाहते हुए भी गिराई देती है। रेगुलर क्लास कर रहे हैं फिर भी सुबह का संगठन क्लास छूट जाता है, लेकिन हमारा ही छूट जाता है या जितने भी पुरुषार्थी ब्राह्मण परिवार में सबका छूट जाता होगा?
है। बोलो, हमारा ही छूट जाता है, सबका थोड़े छूट जाता है। तो हमारी नजर नीचे वालों के ऊपर रहनी चाहिए या जो ऊपर का पुरुषार्थ करने वाले उनके ऊपर रहनी चाहिए? ऊपर वालों को देखना है, वो जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा, एक दूसरे की ओर करना है क्या? ओर नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? दौड़ हो रही है और दौड़ में दौड़ करने वाला ओर नहीं करेगा, पीछे ही ठहर जाएगा, तो फिर जीत पाएगा? बाबा, विनाश के टाइम पर जो ब्राह्मणों की दुनिया में विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं, अभी बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनती हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो बाबा के ठौर पर टिकेंगी नहीं, विदेश में सर्विस के लिए भेजी जावेंगी, फिर सर्विस के बाद भारत में कैसे लौटेंगी? क्योंकि उस समय एरोप्लेन का टिकट भी नहीं मिलेगा। तो कैसे वापस आवेंगी? है अरे, टिकट उनको नहीं मिलेगा जो बाबा के बच्चे नहीं होंगे, सेवा में तत्पर्य नहीं होंगे। जो बच्चे सेवा में खड़े हुए हैं वो बाबा के बच्चे हैं या रावण के हैं? जो सेवाधारी बच्चे हैं, कोई न कोई तौर तरीके से बाबा उनको बचा ही लेगा। अमृत वेला करते समय नींद आ जाती है, फिर सपने आते हैं। जो सपने में लोग दिखते हैं वो सभी पूर्व जन्म के साथी हैं, अपने हैं या पराये हैं? है? याद करते करते सो गए ना? तो अच्छी स्टेज में सोए या खराब स्टेज में सोए ये देखना है। अगर याद अच्छी नहीं है, माया ने बाइलोरा डाल दिया है, उल्टे उल्टे संकल्प में सो गए, फिर सपने आते हैं और जो दिखाई पड़ते हैं वो अपने होंगे, ब्राह्मण परिवार के होंगे या आसुरी परिवार के होंगे? वो तो आसुरी परिवार के हो गए। अगर अपनी अवस्था अच्छी है याद करते करते सोने की, तो सपने में भी जो आवेंगे वो अच्छे ही आवेंगे।
बेसिक वाले अमृतवेला करते हैं, मगर बाप की पहचान तो है ही नहीं, तो याद किसको करते हैं? अरे निराकार को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं। हाँ, तो जैसी ब्रह्मा बाबा की गति होगी वैसी ही उनकी भी गति होगी। है ही नहीं तो चले कहाँ से जाएंगे? अरे वो हैं अभी मौजूद। उज्जैन में कहाँ? उत्तर जैन, उत्तर माने ऊंचा, कैसा जैन? उत्तर जैन, ऊंचा जैन। जैन किसको कहा जाता है? जैन कहा जाता है जो जिन को फॉलो करें उन्हें कहा जाता है जैन। एक मात्रा बढ़ गई फॉलो करने के अर्थ में, जैसे ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। शिव को फॉलो करने वाले जय शिव। ऐसे ही उज्जैन, ऊंचे जैन, वो कौन हुए? है? अरे जिनको फॉलो करने वाले तो हैं, जिन माने जिसने इंद्रियों को जीता उसका नाम जिन। उसको फॉलो करने वालों में ऊंचे कौन हुए? अरे अरे जिनको जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको फॉलो करने वाले कौन होते हैं? है? सूर्यवंशी। और सूर्यवंशियों में भी ऊंचे कौन होते हैं? जो राजाई घराने में आते हैं। तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे भोली माता का मंदिर है। कैसी माता का? भोली। उसको सावन के महीने में भोली माता को बकरा क्यों चढ़ाते हैं? उसको प्रसाद समझ करके सब लोग खाते हैं। उस देवी का नाम भोली माता क्यों पड़ा? अरे उज्जैन में रह करके भी जो भूल गई तो किसको भूली होगी? उज्जैन में किसको याद करने के लिए बोला जाता है? है? बाप को याद करने के लिए बोला जाता है। उसको अगर भूल जाए तो कहेंगे भोली माता। तो कौन हुई भोली माता? अरे है ऐसे ढेर की ढेर है जो सरेंडर होती है फिर बाप को भूल जाती है। उन भूलने वालों में कोई मुख्य माता ही होगी, उसका नाम पड़ा भोली माता। कौन सी नदी के किनारे दिखाया है? क्षिप्रा माने क्या होता है?
क्षिप्र गति माने तीक्ष्ण गति से बहने वाली। ज्ञान में गति बहुत तीखी है, जल की ज्ञान जल की धारा कैसी बहती है, बहुत तीखी धारा है। उस नदी के किनारे यादगार दिखाई है भूली माता की, तो भूली माता कौन हुई, जो भगवान बाप को भूल गई, जिसको अहंकार आ गया मैं ऐसा कर दूंगी मैं वैसा कर दूंगी, उसके फॉलोअर्स को भी बहुत अहंकार आता है, मैं देखो क्या करता हूं। तो मैं की बलि चढ़ाने को क्या कहा जाता है, बकरे की बलि चढ़ाना। फिर उस बकरे की बलि चढ़ती है तो उसको महाप्रसाद समझ करके खाते हैं, बहुत प्रसन्नता दे देता है वो महाप्रसाद। जब वो मैं का बलि का बकरा काट करके चढ़ाया जाता है, आत्मा वार्तालाप में अपने अंदर का कचरा न डाले और फिर भी डेली क्लास करती हो, उस आत्मा को आगे क्या तकलीफ आएगी, आएगी या नहीं आएगी। अरे कचरा अपना वार्तालाप में सबके सामने डालना अच्छा है, जो सबको बदबू फेंकता रहे, या कचरा छुपा के डालना चाहिए गड्ढे में। कचरे को तो पोता मेल को तो गुप्त में देना चाहिए, सबके सामने नहीं देना चाहिए। सबके सामने कचरा अपना डालेंगे तो फिर दूसरों की अवस्था खराब होगी, समझेंगे अरे इतना बड़ा महारथी, इतना त्याग तपस्या करने वाला, इसकी ये हालत है तो हमारी तो बात ही क्या। सबके नीचे नीचे संकल्प चल पड़ेंगे, इसलिए कचड़े को हमेशा दबाया जाता है, एकांत स्थान में डाला जाता है, सबके सामने नहीं डालना। डिपेंड रहना माना क्या, तो और क्लियर करो क्या पूछना चाहते। विश्वास है, विश्वास आस्था। अरे पुरुषार्थ को ड्रामा के ऊपर छोड़ देंगे क्या, पुरुषार्थ को ड्रामा के ऊपर छोड़ेंगे तो कल्याण होगा है, नहीं होगा। तो ड्रामा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है पुरुषार्थ के मामले में। ड्रामा समय चक्र का नाम है, समय चक्र जड़ है और आत्मा चैतन्य है। कौन पावरफुल हुआ, चैतन्य आत्मा पावरफुल है। तो ड्रामा को आगे कभी रखना ही नहीं है, पुरुषार्थ को आगे रखना है। क्या लिखा है, मंदिर में कृष्ण की मूर्ति बीच में है,
हाँ जी, मंदिर में कृष्ण की मूर्ति बीच में और दोनों साइड बालाजी की काली मूर्ति, दोनों साइड में क्या दिखाई गई है? हाँ, माने कृष्ण की मूर्ति बीच में दिखाते हैं और आजू बाजू में काली मूर्ति दिखाते हैं, कहाँ कौन से मंदिर में? अरे क्लियर करो, क्या बात है, क्या पूछ रहे? कृष्ण खड़े हुए अरे सही बात बताओ तब सही उत्तर मिले। क्यों? जो वैष्णवी का पार्ट विष्णु का है, वो विष्णु का पार्ट, विष्णु मूर्ति का पार्ट बाद में नहीं है, है या नहीं? तो जो विष्णु मूर्ति का पार्ट किस लिए है? शिव बाबा की तीन मूर्तियां, तीन मूर्तियां माने तीन कार्यकर्ता, तो एक ब्रह्मा कार्यकर्ता, एक शंकर कार्यकर्ता और तीसरा विष्णु कार्यकर्ता। तो जो तीनों कार्यकर्ता हैं, उनमें कार्य करण करावन हार कौन है? ब्रह्मा के द्वारा सुनने सुनाने का कार्य, शंकर के द्वारा समझने समझाने का कार्य, विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल। तो ये सब करण करावन हार कौन है? आखरीन है कौन है? बाप है। तो जब बाप ही करण करावन हार है तो साबित हो जाता है कि मैं जिस तने में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम, तो प्रवेश किए बगैर ही करण करावन हार है या प्रवेश करने के बाद करण करावन हार है? है? प्रवेश करने के बाद कर्म कौन करता है? कर्म करता कौन है? जब करणहार है तो कौन करता है? हम बच्चे सर्विस करते हैं या बाप करण करावन हार है? ब्रह्मा में अगर सुनने सुनाने का पार्ट अच्छा किया, सहन करने का पार्ट अच्छा किया, तो किसने किया? ब्रह्मा ने किया? नहीं, ब्रह्मा तो तमो प्रधान कर ही नहीं सकता, बाप नहीं किया।